हेलो बच्चों, तो फटाफट से अभी हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर है, ठीक है। तो वायरल पेपर यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे और हर चीज़ वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। किस तरह से आपको पेपर करना है, क्या आएगा और आपको किस तरह से इसमें अच्छे से अच्छे नंबर जो हैं वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चा, यहाँ आपको किस तरह से पेपर आएगा वो, और पूरा वायरल पेपर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे आते हैं तो ध्यान से करना है, किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है। किस तरह से आपको पेपर लिखना है, और यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से आपको लॉन्ग आंसर लिखनी है बच्चा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहने वाला होता है, ठीक। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये रहा एक हमारा वायरल पेपर। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे कि इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल 70 नंबर का है, यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अभी पढ़ लो, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और धड़ल्ले से जो है वो क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है। तो तैयार हैं 95+ के लिए सभी बच्चे, मेरे शेर सभी तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यह प्रश्न 2 खंडों में होगा, आ और बा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 अंक के बहुविकल्पी, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर देना है और उसका आपको सही जवाब देने पर हर एक पर एक अंक मिलेगा। ओएमआर सीट जो होगी उस पर आपको देना है, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, समझ गए बेटा। अगर आप काट देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ओएमआर पर गोला एक बार भरने के बाद अगर आपने काट दिया तो आपका गलत मान लिया जाएगा। अगर काट कर भी आपने अगर दूसरा भर दिया उसी में तब भी गलत माना जाएगा। कोई वाइटनर कोई इरेजर का बच्चा यूज़ नहीं करेंगे, कोई वाइटनर कोई जो है इरेजर इसका यूज़ नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ध्यान से भरना है बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ध्यान से भरना है चीज़ों को, ठीक है। ओके, खंड आ में, ठीक है, खंड आ का हो गया। खंड बा में आपको 50 अंक का है, ठीक है, 50 अंक का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर वर्णनात्मक मिलेंगे, पहला दूसरा, ठीक है। मानचित्र संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगला हम जो सेशन लेंगे तो उसमें आपको पूरा मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, उसको अटेंड करना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होंगे, 2 प्रश्न होंगे। अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक आपको दिए रहे होंगे, उसके सामने दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है, ठीक है। जो आप मानचित्र भरेंगे बेटा उसको आपने जो आंसर सीट है उसमें ध्यान से भरना है, इस बात को याद रखेंगे सभी बच्चे, गलती नहीं करेंगे बेटा, यहीं पर देख लो, गलती नहीं करना है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर, ठीक है। मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपका जो है वो कंप्लीट पेपर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं अपना वायरल पेपर, फटाफट से बच्चे सभी करेंगे इसको, सभी करेंगे, एक भी बच्चा इसे छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे, ठीक है, याद है ना। तो यहाँ पर आपको छोड़कर नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपका बेटा खंड आ रहेगा जो 20 अंक का है, खंड आ है जो 20 अंक का है, जिसमें बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक के बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा 1850 की विन्या संधि से संबंधित है, बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक या फिर मैथ्सनी, ठीक है। यहाँ पर आ वा सा दा कौन सा आंसर होगा, और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका सही आंसर करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, नेपोलियन, ठीक है। आंसर याद कर लो अच्छे से, वहाँ पर आपको करके आना है, आंसर याद करो अच्छे से, आपको वहाँ पर करके आना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके सामने और आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के
बेल्जियम मॉडल का मुख्य मुख्य महत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला, आपको सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ठीक से करना है बच्चों, हर एक का आंसर ठीक से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सा, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? पहला, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बोलो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, महामंदी के कारण। महामंदी के कारण गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ब्रिटेन ब्रिटेन बोर्ड नामक संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित था? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित था? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कहाँ स्थित था? अमेरिका में, ठीक है, याद कर लो। एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे आपके, कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। क्या रहेगा इसका आंसर, सभी को बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कठोर संविधान, कठोर संविधान के कारण, ठीक है, नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंध नहीं है पूछा है, इस ये हो जाएगा कठोर संविधान। आगे बढ़ो तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से करना है बच्चों सभी को, फटाफट से ध्यान से करना है। तो यहाँ पर आ दिया है आपको धर्म, भाषा, आबा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा और धर्म, ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट आंसर आ और व दोनों हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? समाज में स्त्रियों और पुरुषों की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुषों के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 का, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ए रहेगा आपका, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बेटा फ्रांस, याद कर लो, किसी को याद नहीं है तो बेटा याद कर लेंगे, ठीक है। अगला, अच्छे से पेपर देख लो बेटा, ठीक है। मेटोनिक ने अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? रूसो, एमुएल, कैल्विन, या फिर मैथ्सनी, किसको माना था? तो हो जाएगा कैल्विन, ठीक है, किसको माना था? कैल्विन। 9, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ो, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अच्छे से आंसर देना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है,
व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, अ व दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो होती है वो नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा सा, दोनों ही हो जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। बेटा प्राकृतिक संसाधन पूछा है, नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन या संभावित संसाधन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जैव संसाधन। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के कारण मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, या फिर अति पशुचारण, यहाँ पर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, ये उसका मुख्य कारण है, याद कर लूँ, मुख्य कारण है। अगला अगला, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाना है, नहीं आ रहा है दोबारा देखेंगे, लेकिन अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, किसमें निम्नतम, कम से कम है, केरल, पंजाब, बिहार या फिर हरियाणा। केरल, पंजाब, बिहार या फिर हरियाणा। ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा आपका आंसर केरल, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सामाजिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रोजगार की परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, या फिर उद्यम उद्यम व स्वात्व स्वामित्व। ठीक है, तो यहाँ पर सा हो गया आपका। ठीक है, कृषि उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, यहाँ पर आपका सा सही है। अगला अगला क्वेश्चन, इसी तरह से सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है, ये भूरक्षण से तात्पर्य क्या है। ठीक है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध होना, क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, बच्चों नहीं लिखा है यहाँ पर, इस बात पर ध्यान देना है, अच्छे से पेपर पढ़ना है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, चंबल नदी, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा। ठीक है, चंबल नदी, आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, अगला, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, उपजाऊ का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 17 का क्या हो जाएगा, सा, अधिक मजदूरी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा, आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे बेटा, याद हो जाएगा आपको, और हर बच्चे को ये करके जाना है, कोई भी बच्चा इसे छोड़ेगा नहीं। अगला, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, बेटा ध्यान से पढ़ो, नहीं है लिखा है यहाँ पर, सरकार विदेश व्यापार को नियत करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, या फिर विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन ये रहा तड़कता भड़कता आपके सामने, और इसका आंसर आपको देना है फटाफट से, निम्न में से कौन सा
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है बेटा, ध्यान से, है या फिर नहीं है, इन चीज़ों को पेपर में आप, मैं जिस तरह मार्क करूं उसी तरह से करना है आपको, ठीक है? याद रहेगा, गलती नहीं होगी। कोयला, भूतापीय ऊर्जा, आवा दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा कौन नहीं है पूछा है, भूतापीय ऊर्जा। ओके, अगला, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या फिर उपरोक्त में से सभी। जल्दी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ठीक। तो यहाँ पर बेटा हमने 20 MCQs टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं वायरल पेपर के, सभी बच्चों को ये देख कर जाना है, कोई भी बच्चा जो है इसे छोड़ेगा नहीं, कोई भी सिंगल स्टूडेंट कोई भी इसे छोड़ेगा नहीं बच्चा, ठीक है? प्रॉमिस करेंगे आप कि नहीं छोड़ेंगे ये है। अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो गलत भी नहीं करना है, इसलिए एक बार नहीं आ रहा, दो बार देख लो बेटा, दो बार देख लेंगे, ठीक है? और ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अपना खंडवा। खंडवा में आपको किस तरह से 50 अंक का होगा बेटा, पहला 20 का था और ये 50 का होगा, ध्यान में रखना है आपको। वर्णनात्मक वन में लगभग आपको 80 शब्द में लिखना होगा इसका आंसर। देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। सिर्फ आपको कारण लिखने हैं, 80 शब्द लिखने हैं, याद रहे, ठीक है? अगर आपको ये नहीं आता है बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, उन्नीस सौ अट्ठाईस से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ये भी अगेन 4 नंबर का होगा, या तो आप ये वाला कर दें, ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक आंसर कर देना है। तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो महामंदी वाला है वो क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, महामंदी जो है उसका क्वेश्चन सभी बच्चों को जरूर पढ़ के जाना है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर इसके जो है हम डिटेल जो है बच्चों यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो हो, इसके आंसर हम लिखकर बता दें, तो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना होगा बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कितने बच्चे चाहते हैं कि हम इन क्वेश्चन की डिटेल्ड वीडियो आपको एक और बना कर दे दें। जल्दी बोल देंगे कमेंट बॉक्स में, सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितने बच्चे ज़्यादा बोलेंगे उतना ही हम वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है? तो एक यहाँ पर समझ लेते हैं अगला किस तरह से आपको करना है, ठीक है बच्चों? तो सत्ता, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं आता है, अथवा लगा हुआ है बेटा, क्या होगा कि जाति में जाति की भूमिका का विवेचन कीजिए, ठीक है? तो इसका भी आपको अच्छे से आंसर लिखना है। ये 80 वर्ड के अंदर ही आना चाहिए, 80 शब्दों में ही लिखा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा और कम भी नहीं लिखना है बेटा, ठीक है? महामंदी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को देख कर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा रहेगा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है? ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। इस कथन के परिक्षेप्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपयोगों का मत स्पष्ट कीजिए, ठीक है? देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, आपको पूरा तो याद नहीं होगा, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट नहीं है जैसे पूरा कंप्लीट जो है सामाजिक विज्ञान के सारे जो हैं
वो याद हो, लेकिन आपको अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आंसर आप अच्छे से बना कर लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से उसके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, किन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आंसर आपको बनाना आना चाहिए बेटा, किस तरह से आप जो है वो सोच सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आपको उसके बारे में पढ़ना ज़रूर पड़ेगा बेटा, आप अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका अच्छा होने वाला है और आप जो है वो 70 में 70 फोड़ के आएंगे, ठीक है। 70 नहीं तो 2-4 कम, बट पूरे आंसर करके आएंगे। ये पूरा पेपर कर लो, आगे आने वाले जो है लेक्चर्स उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपको सब कुछ कराया जा रहा है यहाँ पर, ये जो है वायरल पेपर अच्छे से कराया जा रहा है, इसको तो बहुत ध्यान से देखना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगला हो जाएगा अथवा में, अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर परिवहन एवं संसार के साधन, किसी भी देश की जीवन रेखा अथवा व्यवस्था अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इस पर तर्क सहित उदाहरण भी देना है, एक उदाहरण भी लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो बेटा चाहते हैं कि इसके आंसर हम यहाँ पर इसके आंसर बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिस जिस बच्चे को चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बोलेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाकर आपको दे देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। आगे बोलो, आगे बोलते हैं अगला क्वेश्चन पेपर हमारा क्या बोल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, ठीक है। तो आपको ये विवेचना करनी है 4 नंबर में, या फिर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में विवृत कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो ये कर देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे और पक्का जो है वो 4 नंबर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, अगर आप किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है कि अच्छे बाजार के मुख्य लक्षण किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बोला था आपको ट्रिक बताने के लिए कि किस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आप वो ट्रिक लगाएंगे, कैसे अच्छे बाजारों के मुख्य लक्षण लिखने हैं, ठीक है। तो अच्छे बाजार किस तरह के होंगे, जहाँ पर शेयर मार्केट जो होगा वो एक हेल्दी सिचुएशन में होगा शेयर मार्केट, वहाँ पर अच्छे बाजार में अगर आप बात करेंगे तो शेयर मार्केट जो होगा आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, या फिर और अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो क्या सोच सकते हैं कि जो भी आपको अच्छे बाजार में क्या होगा, हर तरह की जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब आयात निर्यात करने वाली चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए, और हर तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग से ही लिख देंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी लिख देंगे बेटा। तो आपको इन दोनों में अथवा में दोनों को पढ़ के देख लेना है और डिसाइड कर लेना है बेटा कौन सा करना है आपको, जो सरल होगा वही करेंगे, ठीक है। पूरे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दूसरा बेटा वर्णनात्मक हो जाएगा, जिसमें आपको 150 शब्द लिखने हैं, ठीक है। वहाँ पर 80 लिखने थे, यहाँ पर 150 लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन का क्या कारण था, इसका कारण आपको बताना है। फिर इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था, ऐसा क्या वजह रही थी जिन्होंने मतलब गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था, तो वो कारण लिखना है और वजह लिखनी है उसके स्थगित होने की, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 4 नंबर जो है आपको इस पोर्शन के लिए मिल जाएंगे और इसके स्थगित होने के कारण के लिए 2 मिल जाएंगे, तो इस तरह से टोटल इस क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं बेटा। 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप थोड़ा भी असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लेंगे तो वहाँ से आप बनाकर आंसर लिखेंगे, खुद का अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में बनाकर लिखेंगे, बना कर लिख लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा बहुत आपको क्या होना चाहिए बच्चा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों को करके जाना है, ठीक है, देख लेना है अपने आप, ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो मैंने बोला है आपको डिटेल वीडियो दे दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कमेंट करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और देखना है बेटा, और चैनल को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेटा, ठीक है। तभी हम वीडियो बनाकर दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। अब आपको असहयोग आंदोलन इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है अथवा, अथवा में सत्याग्रह क्या है, ठीक है ये बता दो, या सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार हैं। बहुत सिंपल है,
एक बार कहानी की तरह पढ़ लोगे बेटा तो दोबारा आप नहीं भूलोगे। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे सत्याग्रह क्या है उसकी परिभाषा लिखने के लिए, और 4 नंबर आपको मिलेंगे महात्मा गांधी के विचार के लिए। अगेन यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन ये ज़रूर करना है, जो मैं बता दूँ ये ज़रूर करना है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला 6ठा जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, ठीक है। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए उठाए जा सकने वाले 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का सुधार क्या है उसकी परिभाषा के लिए 2 और इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर से आपको 6 नंबर मिलेंगे, फिर से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये करेंगे, वैध संसाधन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध संगठन का गठन करता है, ठीक है। वैध शासन क्या है उसकी भी परिभाषा के लिए 2 नंबर और इसके लिए 4। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी या जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, ये भी आपके लिए 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये सारी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, अकेले करने में ये बेटा सारी बहुत मेहनत लगती है। तो आपको ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, करना है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। और आपको अगर डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है बेटा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसा करेंगे। ओके, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, यहाँ पर उसकी परिभाषा देनी है बेटा, परिभाषा याद करो, ये जो इम्पोर्टेंट है परिभाषा, ठीक है। वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और 150 वर्ड में लिखना है, तभी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करेंगे आप, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है, ठीक है। भारत में जो मोटे अनाज पाए जाते हैं उनका उल्लेख करना है और उनकी पैदावार के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका वर्णन करना है, अच्छे से करना है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा असंगठित क्षेत्र के, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए, उसका क्या कारण है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, क्या आप कथन से सहमत हैं, कारण सहित उदाहरण देना है आपको, ठीक है, उत्तर देना है उसका, ठीक है। इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेंगे बेटा, या अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसको छोड़कर ये वाला करेंगे, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन करना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर ये क्या हो जाएगी आपकी, इसकी परिभाषा हो जाएगी बेटा, ठीक है, और यहाँ पर उसकी आप वर्णन करेंगे, मतलब वो क्या क्या है मानव विकास नापने के लिए, किस तरह का जो है वो मानव विकास होगा, ठीक है। तो ये दिमाग से भी आंसर लिख सकते हैं इसका, मानव विकास के लिए अच्छे से सारी चीज़ों के संसाधन होने चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो मानव विकास के लिए किस तरह से ज़रूरी हो सकती है उस पर आप लिख देंगे 2-4 वाक्य, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की आपको ट्रिक लगानी है, हर बच्चे को पूरा पूरा जो है दे रखा है सामाजिक शास्त्र में, ठीक है, सोशल साइंस में, वो पूरा नहीं याद हो पाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो खुद आंसर बनाएंगे, खुद आंसर बना कर लिख देंगे उससे रिलेटेड जो पूछा गया है, ठीक है। सभी बच्चे थम्स अप करेंगे और बता देंगे कि हाँ सभी को क्लियर है। अगली हम बात करेंगे कि क्या बोल रहा है मानचित्र संबंधी, ठीक है, मानचित्र संबंधी यहाँ पर समझ लो, एक हम ऐसा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसमें आपको पूरे मानचित्र के जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, पूरे मानचित्र के
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा वो सारे करा दिए जाएंगे। तो मानचित्र का किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, निम्नलिखित में से भारत को रेखा मानचित्र, ठीक है, में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना पड़ेगा आपको। सही नाम पर सही अंकन, ठीक है, हेतु। अगर सही नाम दिया, जैसे आपको बोल दिया आगरा, ठीक है, आगरा मुंबई कुछ भी बोल दिया, तो जहाँ पर आगरा स्थित है वहाँ पर आपको डॉट से दर्शाना है। और अगर आपने उसी जगह पर दर्शाया है, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है, तो उस जगह पर दर्शाया है डॉट से, तो उसके लिए आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। आधा नंबर निर्धारित किया गया है, ठीक है, उस चिन्ह को और सही नाम सही जगह पर रखने के लिए। तो ध्यान रखना है अच्छे से, ये सब हम उस सेशन में अच्छे से करेंगे बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है, उसके लिए आपको आधा जहाँ पर जगह का नाम पता होना चाहिए आपको, और दूसरा जो है बेटा क्या पता होना चाहिए, दूसरा वो आप जो है ग्राफ में, मतलब अपने जो मानचित्र में अच्छे से दर्शा रहे हैं उस बात के लिए आपको पूरा आधा आधा एक नंबर मिलेगा। अगला नमक बनाना, इसके लिए फिर वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम उस सेशन में कर लेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा, ठीक है। वह जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक दो, मतलब एक इसका नंबर, दो तीन चार हो जाएगा, और ये बहुत सरल है बेटा, हम आपको अच्छे से करना बता देंगे, ठीक है, अच्छे से करना बता देंगे। सारे बच्चे समझ में आ गया है तो थम्स अप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, केवल दृष्टि बाधित परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो ये जो है दृष्टि बाधित, जो लोग फिजिकली जो है डिसेबिलिटी रखते हैं उन बच्चों के लिए ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये पोर्शन दृष्टि बाधित छात्रों के लिए है, ठीक है, दृष्टि बाधित छात्रों के लिए ये वाला पोर्शन दिया गया है, ठीक है। अब मानचित्रकार मानचित्र कार्य बेटा, तो वहाँ पर आपको किस तरह से मानचित्र कार्य करना है उस बात को समझेंगे। नौका खा, जिसमें निर्देश दिए गए हैं, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है, जो जो बताया गया है उन चीज़ों को आपको दर्शाना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का उद्यान, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मानचित्र है, ठीक है, हमारा जो मानचित्र है, ठीक है, हमारा जो मानचित्र है इस तरह से, हमारा जो मानचित्र है उसमें आपको पश्चिम बंगाल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज पढ़ लेंगे, वहां पर एक उद्यान को आपको इस साइन से, इस सिंबल से, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है उस ग्राफ में, ठीक है। तो आपको कितना आधा आधा नंबर जो है वो पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आधा आधा कितना पूरा नंबर बेटा मिल जाएगा, ठीक। अगला, नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर बना बांध, उसको आपको इस तरह से बिंदु से दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, पांच का ये भी होने वाला है। महानदी को आपको ऐसे करके दर्शाना है, आपको पता होना चाहिए महानदी कहाँ पर है, ये सारी चीज हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखते जाइए और आपको अच्छे से ये सारी चीज कर लेनी है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र झारखंड में है, उसे इस सिंबल से दर्शाना है मानचित्र में आपको, ठीक है, इसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा। भारत के पूर्व तट पर स्थित एक पतन, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है, उसका चिन्ह ये होना चाहिए। अगर आप इन
चीजों को अच्छे कर रहे हैं बेटा, तो 5 नंबर इसके और 5 ऊपर, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर कोई भी जो है वो नहीं ला सकता। तो मानचित्र वाला जो सेशन हम लेंगे, तो उस मानचित्र वाले सेशन में आप सभी बच्चों को आना है, ठीक है। मानचित्र वाले सेशन में सभी बच्चों को आना है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, अच्छे से पढ़ लेना है, ये वाला तो नहीं करना, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हीं को ये वाला अटेंड करना है, ठीक है। गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मानचित्र वाला हो गया है और हमारा इस तरह से पूरा कंप्लीट जो है वो पेपर कवर हो गया है, ठीक है। सभी ने देख पाया, कंप्लीट पेपर जो है वो कवर हो गया है बेटा, ठीक है। सब बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को ये पेपर जो है, ठीक है, ये हमारा वायरल पेपर अच्छे से कर लेना है बच्चों। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको छोड़ेगा, कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मानचित्र वाला सेशन हम करा दी जाएंगी, ठीक है। मानचित्र वाला किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मानचित्र से, ठीक है। पूरे नंबर आने वाले हैं, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, अगर डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है अच्छे से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लिखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं और